हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के स्टूडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोग का बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, BHU से हैं, CUT है, कहीं पर भी आप किसी भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है। हम लोग सारी चीज़ें डीप एंड वाइड समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर MCQ को सॉल्व करेंगे, सारी की सारी चीज़ें। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है। ऑलरेडी मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है बीकॉम एंट्रेंस के, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट प्रिवेसर के पेपर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सॉल्व कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक बात और बता दें, आप BCOM एंट्रेंस देने जा रहे हो तो वहाँ पर जितना भी है 11th और 12th का अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, उन सारी चीज़ों को हम लोग इतना प्रैक्टिस कराएंगे, सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर, नोट्स, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज हम इसके वीडियो में यही समझेंगे कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संगठन है, इसका मतलब क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं, दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे अगर हम बात करें बिजनेस को, सबको पता होगा जो बिजनेस है, बिजनेस का मतलब होता है बिजी और प्लस नेस, ठीक है। दो शब्दों से बना है, MCQ में पूछ सकता है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। बिजनेस का मतलब हो बिजी प्लस नेस, मतलब बिजनेस अर्थात क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन किसी एक्टिविटी में बिजी रहता है या व्यस्त रहता है। जब कोई पर्सन किसी तरह की बिजनेस करता है और वह जब गुड्स को परचेस करके उस कस्टमर को सेल करता है यानी बेचता है, और जो भी प्रॉफिट कमाता है या लाभ कमाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह बिजनेस का जो मेन पर्पज़ होता है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का, उद्देश्य क्या होता है, भाई हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस, तो मेन उद्देश्य यही होता है कि लाभ कमाना यानी प्रॉफिट अर्न करना, यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। क्या होती है इकोनॉमिक, बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। MCQ में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो बिजनेस इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिल गए, दो शब्दों से, बिजी प्लस नेस, इसका उद्देश्य होता है क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना, और एक कैसी एक्टिविटी है, दिस इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संगठन, ठीक है। संगठन, व्हाट इज संगठन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करना, मतलब क्या हुआ, किसी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करना। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं एक टीम होती है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ठीक है, एक टीम होती है जो बिजनेस की सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में करते हैं, सारी चीज़ों को क्या करते हैं, उसमें मैनेज करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं और सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको पूरा करना, ये बहुत एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सीधे से बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप, ठीक, साथ में परफॉर्म करते हैं और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा टाइम इशू होने की वजह से क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं रन हो पाती, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे डेली आपकी क्लासेस हों, और जो भी क्लासेस हों उसमें आपके कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम पॉइंट से सारी चीज़ें रहें। मैंने दोनों अलग अलग मीनिंग समझ लिया, अब आते हैं हम लोग दोनों को एक साथ समझते हैं, ठीक है। अब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है, अगर हम यहाँ बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब कोई बिजनेस एक प्रॉपर वे में किया जाता है, सारी चीज़ों को उसमें मैनेज किया जाता है, इसमें बिजनेस की जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल होती हैं। अब अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई, सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो बिजनेस के रूल्स, रेगुलेशंस, डिसीजन मेकिंग सभी आते हैं कि पर्सन को क्या काम करना है और क्यों करना है, इसका पर्पस क्या है, यही कहलाता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
मीन्स एक प्रॉपर वे में किया जाता है, सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती हैं जो कि पॉलिटिकल सोशल ये सारी चीज़ें। अब एक डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। डिफिनेशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्जाम में आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं कि ये डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो डिफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी विच इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ carrying on commercial enterprise, that describe, देखिए डिफिनेशन में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए describes how businesses are structured and how to produce goods and services and meets needs of the customers, ठीक है, ये डिफिनेशन हो गई है। तो यहाँ डिफिनेशन से समझ लेते हैं कि लोग बिजनेस एक्टिविटी, इसी वे हम लोग फीचर्स भी देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में फीचर्स पूछे जाते हैं, कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं कौन से नहीं हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक कैसी है एंटिटी, वो किस लिए फॉर्म्ड होती है, फॉर द ऑब्जेक्टिव, ये फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस, जो क्या डिस्क्राइब करता है कि बिजनेस क्या करना है, कि बिजनेस स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ प्रोड्यूस एंड मीट्स, मतलब बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे डिसीजन लेना है, और जो कस्टमर की नीड्स को कैसे फुलफिल करना है, मीट करना है, ठीक है, दिस इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, मीनिंग समझ लिए हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए अब फीचर्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले हम फीचर्स लिख देते हैं, फिर वन बाई वन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग। तीसरी विशेषता है कंटिन्यूस प्रोसेस। चौथा है प्रॉफिट मोटिव। और पांचवा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, छठवां है गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, ठीक, छह हम लोग ने फीचर्स देखे। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, थोड़ा बहुत तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली विशेषता या सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मींस ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद होता है पैसा कमाना, जिसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी डिटेल में हम लोग समझेंगे, अभी बस इतना ही समझते हैं। जैसे कि एक टीचर जो है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक ये एक तरह की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले वो क्या है, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो वही तो हमारे लिए क्या है, वो एक तरह की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पर हम उससे क्या करते हैं, फीस लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है तो उसके बदले वो फीस देता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन पर्पज़ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना।
दूसरा होता है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी बिजनेस को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी सेल और परचेज में इन्वॉल्व होता है। इस तरह किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल को खरीदना, कस्टमर्स को फिनिश प्रोडक्ट सेल करना। तो बिजनेस हर अलग अलग सोसाइटी के लिए तरह तरह की गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती है, प्रोवाइड या अवेलेबल करती है। दूसरी विशेषता ये। तीसरा, ये कंटिन्यूस लगातार प्रोसेस है। कैसे कह सकते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। क्योंकि बिजनेस जो है वो एक सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार किया जा सकता है, ये एक लगातार प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, लगातार किया जाता है। सिंगल ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं, ठीक है, MCQ में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और बिजनेस जो है रेगुलर कंडक्ट किया जाता है ताकि वह ग्रो कर सके और उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। चौथा है प्रॉफिट मोटिव। व्हाट इज़ प्रॉफिट मोटिव? प्रॉफिट मोटिव तो अभी आपने बताया कि बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का मेन विशेषता यही होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट एक तरह का हम कह सकते हैं इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। बिजनेस ग्रो कर रहा है, लॉस में जा रहा है, कस्टमर की ज़रूरतें, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से पूरा करना, गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें प्रॉफिट कमाना, हर एक बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। पांचवा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब भाई जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनमें उनका जो मेन उद्देश्य होता है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन। मतलब आजकल ये बिजनेस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बिलीव करता है, इस बल पे जोर देता है कि कस्टमर्स या जो भी ग्राहक हैं उनकी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करें, एक रीज़नेबल प्राइस पे उपलब्ध करा सके, ताकि बिजनेस की सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोडक्ट को ज़्यादा बार बार खरीदेंगे और उस प्रोडक्ट की रियल वैल्यू रिसीव करें, ठीक है। छठवां विशेषता होता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब सिंपल सा हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है सरकारी जो नियंत्रण के अधीन होता है, सरकार का कंट्रोल भी हो सकता है। मतलब बिजनेसेस को सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ जो भी नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उनके भी पालन करने होते हैं, और सरकार जो होती है समय समय पर इन नियमों में क्या करती है, कुछ संशोधन करती है, उन्हें चेक भी करती है अलग अलग बिजनेसेस के द्वारा उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग, डिफिनेशन और प्लस उसके फीचर्स आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर देखना देना कैसा लगा आपको क्लास, उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपकी रन होंगी, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड ज़रूर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बच्चे भी एंट्रेंस एग्जाम सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके,